सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सहारा इंडिया के निवेशकों को रिफंड पाने में दिक्कत ना हो। इसके सरकार ने सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे निवेशकों को किसी ऑफिस या एजेंट का चक्कर लगाना नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिनके ऑनलाइन की प्रक्रिया भी काफी कठिन होगा, ऐसे निवेशक क्या करें? सीएससी पर भी आवेदन की रहेगी सुविधा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहारा निवेशक आने वाले कुछ दिनों में नजदीक की सीएससी पर जाकर यह आवेदन जमा कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें आधार से कनेक्टेड बैंक अकाउंट के डिटेल्स और आधार से कनेक्टेड एक मोबाइल लेना जाना होगा। साथ निवेशकों के पास सहारा में किए गए निवेश की रसीद होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए सीएससी संचालक फॉर्म भर देगा। सहारा एजेंट की नहीं है जरूरत। इस पूरी प्रक्रिया में सहारा के किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, ना ही निवेशक को किसी ऑफिस में जाना होगा। अगर वो खुद आवेदन कर सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में सीएससी पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, निवेशकों को पैसा मिलेगा या नहीं इसकी जानकारी भी ऑनलाइन या पोर्टल के जरिए मिलेगी। बता दें कि निवेशकों को के दावे पर संस्था के 30 दिनों के अंदर सत्यापित करना होगा। अगर इन्वेस्टर्स का दावा सही रहा तो 45 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल, किसे मिलेगा पैसा, कहां से करें अप्लाई, जाने हर एक सवाल का जवाब। आखिरकार सहारा के करोड़ों निवेशकों का इंतजार आज खत्म ही हो गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को आज लॉन्च कर दिया। निवेशकों के मन में सहारा के रिफंड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। आइए एक एक करके उनके जवाब जान लेते हैं। रिफंड के लिए कहां से करें अप्लाई, निवेशकों को इस लिंक पर जाना होगा। सहारा के निवेशकों के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आइए जानते हैं किन निवेशकों को मिलेगा पैसा रिफंड। जिन्होंने सहारा की इन कंपनियों में पैसा लगाया है, उन्हीं निवेशकों को पैसा वापस किया जाएगा। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रिकेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जिन्होंने निवेश किया था, उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। पैसे रिफंड को आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट जरूरी है। हाँ, जैसे ही रिफंड पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ प्रोसेस शुरू करेंगे, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वहीं आधार कार्ड में जुड़ा बैंक अकाउंट भी जरूरी है। पैसे रिफंड के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपका ये दावा 50,000 रुपए से अधिक का है तो पैन कार्ड भी जरूरी होगा। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा नहीं है तब क्या करें? जमाकर्ता नजदीक के आधार सेवा केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, क्योंकि बिना इसके वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा है तो क्या करें? सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ें, नहीं तो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आवेदन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर किसी के पास एक से अधिक खाते हैं तो क्या अलग अलग फॉर्म भरना होगा? नहीं, उसे एक ही फॉर्म भरना होगा। कैसे पता चलेगा कि दावा सही है या नहीं? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाएगा और पोर्टल पर एक रसीद दिखाई देगी। सवाल ये है, कितने दिन में वापस आएगा पैसा? सत्यापन की प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर पूरा करना है, 45 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा।